हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू देने वाले हैं रियलमी ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में। तो गाइस, पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सीधा आपको डायरेक्टली बताएंगे कि आपको इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अराउंड 1600 रुपये में आपको ये मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सो गाइस, दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है, कहीं ना कहीं वन प्लस के ब्लूटूथ ईयरफोन से इंस्पायर्ड है। सेम मैग्नेटिक, इसके अंदर सिलिकॉन ईयरबड्स है और अच्छे से चिपक जाता है, बहुत लाइट वेट है, प्लास्टिक बिल्ड से बना हुआ है और रबर, ये सब क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सो गाइस, देख सकते हो जो इसका डिज़ाइन है और जो कलर है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रीमियम फील देता है, और जो रियलमी का ब्रांडिंग वहाँ पे लिखा हुआ है वो भी अच्छा लगता है। तो बेसिकली बच्चे के ईयर स्लिप्स पे भी अच्छे से फिट हो जाता है, अगर बच्चे लोग भी यूज़ करते हैं, आजकल देखा है अगर आपने पबजी खेलते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है और बड़े लोग के लिए भी अच्छे से उनके ईयर्स पे फिट हो जाता है। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हो लेने की और आपको MI का नेकबैंड नहीं चाहिए तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसको आप परचेस कर सकते हो 1600 रुपये में। तो इसकी साउंड क्वालिटी डिसेंट है और इसका बेस भी बहुत अच्छा आता है, और गाइस चार्जिंग भी बहुत फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 मिनट चार्ज करोगे तो 100 मिनट्स आपको ऐसा कंपनी बोलती है कि मिल जाएगा, तो वो सब भी अच्छा दिया है इसमें। तो यही सब था इसका रिव्यू, अगर लेना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।